चैनल। आज के इस वीडियो में आपको 40 चेस्ट की ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो कैसे कटिंग करते हैं, कोई भी साइज को हम कैसे नापेंगे वो देखें। इससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। ये 80 सेंटीमीटर ब्लाउज का कपड़ा है। इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, उसके बाद ऐसे डबल करेंगे। यहाँ पीछे का पार्ट्स निकालना है और यहाँ पे मेजरमेंट नाप देख लेंगे। लंबाई 16 इंच, शोल्डर 12, चेस्ट 40, कमर ब्लाउज का 34 इंच, आगे गला 6 इंच, पीछे का गला 8.5 इंच, बाजू की लंबाई 6, बाजू की गोलाई 12 इंच। तो सबसे पहले चेस्ट 40 है तो उसका हम 1/4 लेंगे, 10 इंच। तो ये 10 इंच हो गया, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहां से स्केल की हेल्प से ये स्केल हमने ले लिया, उसके बाद इसकी लंबाई हमें देखना है। ये नीचे से फोल्ड होगा। अब यहां से कंप्लीट लंबाई, तो कंप्लीट लंबाई हमें चाहिए 16 इंच। ये कंप्लीट लंबाई का निशान। उसके बाद यहां से देखना है शोल्डर, तो शोल्डर है 12, तो उसका हम 1/2 6 इंच ये। उसके बाद यहां से हम लेंगे 5 इंच और वहां पे एक निशान लगाएंगे ऐसे। चेस्ट है 40, उसका 1/4 10 इंच। ये यहां से यहां तक 10 इंच आ रहा है, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें 1 इंच का गोलाई देते हैं ये। उसके बाद यहाँ कमर, तो कमर है 34। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले पूरा गोलाई ले लेना है। देखिए यहाँ पूरा 34 का ये गोलाई हो गया, यहाँ 34 इंच। उसके बाद इसको 4 बार ऐसे करना है, यहां से 8.5 इंच। उसके बाद इसको स्केल को थोड़ा हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि टेकिंग लगती है उसके लिए। तो 1/2 इंच हमने इसको बढ़ा के निशान लगाना है, फिर 2 इंच ऐसे, फिर यहां से गला देखना है। तो गला है 2.5 इंच, तो एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहां से टेप पकड़ेंगे, जितना बड़ा गला रखना है वहां पे आपको निशान लगाना है। तो यहां से 8.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और यहां पे इस बॉक्स को इसके से मिलाएंगे। इसमें हमें 1 इंच का ऐसे गोलाई देना है और यहां से 4.5 इंच और उसके बाद यहां से 1/2 इंच डाउन। अब करते हैं इसकी कटिंग। जो सिलाई में नए हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, बिगनर्स जो बिल्कुल हैं, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, वो काटें ऐसे ये। उसके बाद यहां से ये हो गया पीछे वाला। अब इसी को रखते हुए आगे वाला को कैसे कटिंग करेंगे वो देखिए। ऐसे यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के रखना है, तो
तो इसको ऐसे हाफ इंच ऐसे रख लिए। उसके बाद इसको इसके ऊपर हाफ हाफ इंच सब साइड से हमें लेना है। एक इंच पीछे वाले से आगे वाले को बड़ा रखना होता है, तो वो हमने रख लिया। अब कर लेंगे इसकी कटिंग। ये हो गया आर्म होल। आगे वाला गला 6 इंच रखना है, जितना भी रखना है उसको आपको ऐसे लेना है। यहां से ये निशान हो गया, इसी में ऐसे गोल सा शेप दे देंगे। इसी को रखते हुए गले की कटिंग। ये अब इस वाले को हटा देंगे हाफ इंच का। अब यहां से अलग अलग कर लेते हैं, तो ये अलग अलग हो गया और हाफ इंच का इसमें आगे वाले में गहराई देनी होती है, इसलिए क्योंकि फिनिशिंग बाजू में अच्छे से। ये हो गया। अब इसमें हमें बेल्ट का कटिंग, यहां से हमें 5 इंच और यहां से 4 इंच अब इसकी कटिंग कर देंगे बेल्ट की। ये हो गया बेल्ट की कटिंग। अब इसमें निशान लगाएंगे, तो निशान कैसे कैसे लगता है वो देखिए। यहां से 2.5 इंच एक ये इसकी लंबाई रहेगी, 2 इंच, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। चारों निशान लग गए हैं। फिर इसको हटाएंगे। दोनों का निशान सेम आना चाहिए। यहां चारों निशान लग गए हैं इसमें। एक इधर जाएगा बेल्ट और एक इधर। अब कटिंग करेंगे बाजू। तो ये कपड़ा को ऐसे डबल उसका फोर फोल्ड कर लेते हैं, दोनों बाजू एक बार में ही ऐसे निकाल लेंगे। यहां से 1 से 1.5 इंच फोल्ड के लिए रखेंगे। उसके बाद यहां से लंबाई तो 5.5 या 6 जितना भी रखना रख सकते हैं। यहां से गोलाई है 6 इंच और ये लंबाई 3 इंच। अब इस शेप को ऐसे देना है। ये हो गया दोनों बाजू। एक बाजू ये इधर जाएगा, दूसरा बाजू ये इधर ऐसे जाएगा। निशान लगा देंगे आगे के साइड और इसमें हाफ इंच का गोलाई देंगे, फिर दूसरे वाले में हाफ इंच का गोलाई देना है। आर्म होल में दोनों में गोलाई दे दिए। अब जो बचा है इससे निकालेंगे। ये जो बचा है ये हो गया चौड़ा वाला कांच का पट्टी, पतला वाला हुक का पट्टी ये। अब जो इधर इसमें एक स्केल की हेल्प से तिरछी पट्टी कट करेंगे।
ऐसे दो तीन पट्टिया, यहाँ से तीन चार पट्टिया ऐसे तिरछी कट कर लिए जो कि गले पे जाएगी। सारी कटिंग हो गई। अब पूरी की फुल व्यू दिखाती हूँ। पूरी कटिंग कंप्लीट हो गया। ये पीछे वाला पार्ट से, ये दोनों आगे वाला पार्ट से, ये दोनों बाजू है और ये गला पे जो उड़े पट्टी लगती है वो है, और ये हुक पट्टी काज पट्टी है, छोटा होगा ज्वाइंट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे आसान तरीके से मैंने 40 चेस्ट के ब्लाउज की कटिंग बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए कर लीजिए सब्सक्राइब। कुछ पूछना है नीचे कीजिए कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।